हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं बुक इंडियन इकोनॉमी, जिसके ऑथर हैं रमेश सिंह, जो काफ़ी वेल नाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। और ये बुक सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। काफ़ी यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस बुक को रेफ़र करते हैं और खुद भी पढ़ते हैं। काफ़ी टॉपर्स भी इस बुक को रेफ़र करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस बुक में क्या है। एज यू कैन सी, मुझे ये बुकमार्क मिला है अमेज़ॉन से, जो काफ़ी यूज़फुल है, खासकर उन लोगों के लिए जो बुक के पेजेस नहीं मोड़ते। और ये बुक मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी है। ये मुझे कुछ 447 रुपीज़ में, यानी 447 रुपये में मिली थी। और अमेज़ॉन में अक्सर प्राइजेस अप डाउन होते रहते हैं, तो आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। MRP से यूजुअली कम पे मिलता है, बुक्स पे डिस्काउंट रहता ही है अमेज़ॉन से। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको लेनी है तब ले सकते हैं। चलिए देखते हैं इस बुक में क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि बुक कितनी मोटी है। तो अच्छी खासी मोटी है ये बुक, जी हाँ, और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर अगर आप नॉन इकोनॉमी बैकग्राउंड से हैं। तो इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आपको डिटेल मिल जाएगी, मतलब हर चीज़ का बहुत डिटेल में एनालिसिस है, डिटेल नॉलेज है। तो दिस इज 10th एडिशन ऑफ दिस बुक, दिस इज लेटेस्ट बुक, और इस बुक में इन्होंने क्या क्या नया डाला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एज यू कैन सी, इस बुक में नया है एक चरण नीति आयोग के बारे में लिखा है, ठीक है। ये अपडेटेड वर्जन है ये बुक, और इसकी इंडियन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इकोनॉमिक्स में, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इकोनॉमिक सर्वे। आप जिस भी साल में UPSC एग्ज़ाम देते हैं, आपको उसका लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आना चाहिए। उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं, आप किसी भी टॉपर टॉप में ये बात देख सकते हैं। बजट आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो उन्होंने ये चीज़ें इस बुक के एंड में इंक्लूड करी हैं, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारी अपडेटेड चीज़ें हैं ये 10th एडिशन में। तो मैंने अब अपडेटेड बुक ही मंगवाई है इंस्टेड ऑफ किसी पुरानी बुक के इसके बाद इन्होंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज की पूरी पैटर्न दे रखा है कि क्या क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है, और तो काफ़ी यूज़फुल है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो टोटल इसमें हैं 26 चैप्टर्स, देखिए 26 चैप्टर हैं, जिसमें यूनियन बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, हम लास्ट में देखेंगे पूरा। चलिए हम चैप्टर वाइज देखते हैं कि इस बुक में हमको क्या क्या मिल रहा है। पहला तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद में पूछा है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी हमारे कैसे अस्तित्व में आई, शुरू कैसे हुई थी, उसकी जर्नी भी दे रखी है, हिस्ट्री भी दे रखी है। इकोनॉमी प्लानिंग, प्लानिंग इन इंडिया, हाँ ये प्लानिंग इन इंडिया चैप्टर है, काफ़ी लंबा है। पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन्स होते थे, अब उसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि इन्होंने अपडेट किया है, दिस इज़ वेरी नाइस। उसके बाद है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, जो दो सेक्शंस में हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आजकल किसान आंदोलन अक्सर होते हैं और काफ़ी उनकी मांगे हैं, सरकार भी काफ़ी रिफॉर्म कर रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस पर एसेज भी आते हैं। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ 9th चैप्टर। 10th वन इज सर्विस सेक्टर, यहाँ आपको काफ़ी स्कीम्स भी देखने को मिल रही हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स और नई नई योजनाएं आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इसके बाद है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, विच इज़ 11th चैप्टर। फिर आता है बैंकिंग इन इंडिया 12th, और 13th इंश्योरेंस इन इंडिया। आप देख सकते हैं अगर आप इंश्योरेंस की कंपनी एग्जाम दे रहे हैं तो भी वो काफ़ी काम आएगी अच्छी खासी, बैंकिंग में भी आपकी बहुत काम आएगी कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं। प्लस RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि उसके सेकेंड स्टेज पे फाइनेंशियल और फाइनेंस और इकोनॉमी की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन 14th नंबर इज सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। 15th चैप्टर है एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। 16th है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में किसी भी एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाता है। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया 17th चैप्टर। 18th पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। 19th सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा एनवायरमेंट का भी मिल गया। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं UPSC की, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक बुक से मिले ज़रूरी नहीं है, एक सब्जेक्ट का आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी मिल सकता है।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है पढ़ाई करते वक्त। सिमिलरली ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जिस 21st चैप्टर, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, हियर इट इज बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको एक सब्जेक्ट में दूसरे का भी मिल सकता है। एज यू कैन सी दिस इज सोशियोलॉजी का टॉपिक जो आपको यहाँ इकोनॉमिक्स में मिल रहा है। तो इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो सोशल इश्यूज़ हैं ये कैसे हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं वो आपको इसमें मिल सकता है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। देयर इज़ नो अदर वे, अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव टू स्टडी देम ऑल, एंड दीज आर ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स, जहाँ जनरल नॉलेज की या बैंकिंग टर्म्स की बात होती है। ये बहुत यूजफुल है, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सो आफ्टर दिस वी लैंड अप इन सिलेक्टेड एमसीक्यूज, 23 चैप्टर है। जैसे हम देख सकते हैं कि 6 सेट दे रखे हैं इन्होंने टोटल, तो आपने जो पढ़ा है आप वो चेक कर सकते हैं कि क्या है। चलिए इनको देखते हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे है एंड देन यूनियन बजट। सो लेट अस मूव टू 23rd चैप्टर। Here it is. आप देख सकते हैं काफ़ी सारे MCQs दिए हुए हैं और MCQs के आंसर की है विद एक्सप्लेनेशन से, तो आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन का आंसर कितना लंबा है, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। एंड यू मस्ट पे अटेंशन टू इट, बिकॉज क्या होता है कि इनसे ही 3-4 क्वेश्चन और बन जाएंगे, तो आपको हमेशा एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहिए। इसके बाद में जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट हो जाता है, then we have with us model answers to selected questions, ठीक है। ये questions हैं जो किस तरह questions आ सकते हैं आपके UPSC के written exam में, मतलब mains exam में, तो वो इस पर based हैं एंड उनके answers कैसे होने चाहिए ये उस पर based हैं। This is very helpful, very very helpful guys। इन्होंने जो नया edition निकाला है उसमें इन्होंने बहुत अच्छे changes लाए हैं and I think this is amazing। And after we are done with it, we land up on something very important, that is economic survey। ये 2017-2018 का है जो latest है। आप जिस भी साल में exam देंगे आपको इससे पहले वाले साल का ज़रूर पता होना चाहिए, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं economic survey। इसके बहुत सारे parts हैं और इसमें से बहुत important questions बनते हैं, so you must read it, okay? This is still going the economic survey, and here the last topic is again a very important topic for economics, that is union budget 2018-19 का है। तो अगर आप अगले साल एग्जाम देंगे, मतलब 2019 में देंगे, तो आपको 2019-20 का बजट देखना पड़ेगा। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी साल से पूछे, वो उसके 1-2 साल पहले की चीज़ें भी पूछ सकते हैं। सो यू मस्ट रीड देम एज़ वेल। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द बुक। ये हमारी बुक यहाँ ख़त्म होती है एंड एज आई टोल्ड यू, एज आई जस्ट शोड यू, आई फाउंड इट वेरी यूजफुल। मैं इस पर जल्दी ही लेक्चर्स लाने वाली हूँ और आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं इसके लेक्चर्स बनाऊँ आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन एंड यू कैन सी द लेक्चर्स। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। से लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर।